नमस्कार, मैं आशा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आई नजर डालते हैं कुछ खास खबरें। शासन के आदेशों की हो रही अवहेलना, खलियान चरागाह खेल मैदान में की जा रही खेती, दबंगों की दबंगई जारी, खुलकर कह रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं खेती। शासन ने गलियानों चारागाह खेल में खेल के मैदानों पर हुए अवैध कब्जे हटवाने के लिए प्रशासन को दिए थे आदेश। कुछ समय अभियान चला भी, जिसमें घास फूस के मकान छप्पर हटाए भी गए और जहां लेखपालों को लगाया गया वहां कुछ जगहों पर हुआ लेन देन का खेल और शासन के आदेशों का मजाक उड़ाया गया। ऐसा ही मामला कोस तहसील के ग्राम कमतरी में प्रकाश में आया, जहां पर चारागाह खेल के मैदान व खलियान की जमीन में दबंगों के द्वारा खेती की जा रही है। उसमें एक दो नहीं दर्जनों लोग शामिल हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो अवैध कब्जा किए उपरोक्त जगह पर खेती करने के बाद भी कब्जेधारकों ने स्वीकार की है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी अशोक कुमार से जानकारी चाही तो उनका कहना था कि भेपता में ऐसा कुछ है, ये तो जानकारी है पर कम तरी की जानकारी नहीं है। सुने कब्जे धारकों को क्या कहते हैं वो लोग। दिनेश रायकवार, आशीष तमेरे की संयुक्त रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश उदैनिया, हिंदुस्तान न्यूज 24, बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ। बुंदेलखंड का जनपद जालौन, विकास खंड कोंच, ग्राम पंचायत भेपता का ये मजरा है कमतरी। और यहाँ पर एक जानकारी मिली थी, शासन के निर्देशों का जो पालन होना चाहिए था वो ठीक से नहीं हो रहा है। शासन का स्पष्ट निर्देश था खेल के मैदान, खलिहान, ऐसे जो भी सार्वजनिक भूमि होगी उस पर जो अवैध कब्जे होंगे उनको हटवाया जाएगा। और यहाँ तक तो यहाँ बताया गया, जो मेरे हाथ में जो पर्चा है, जो हमको जो दिया गया है, जिसमें कंप्लेंट्स आई हैं जो बताए गए हैं, इसमें दिया गया है गाटा संख्या रकबा सहित बताया गया है कि जो शासन की मंशा के अनुसार जो खाली होना चाहिए वहां पर खेती की जा रही है, ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। बताया गया है गाटा संख्या 179 है, रकबा इसका 0.283 है। ये खेल का मैदान बताया जा रहा है जो निश्चित रूप से खाली होना चाहिए, चरागाह खाली होना चाहिए, खलियान खाली होने चाहिए, इन पर किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नहीं होता है। लेकिन यहाँ बताया गया है ये गाटा संख्या जो मैंने बताई, इस पर बताया गया लाल सिंह पुत्र सीताराम व ब्रजपाल पुत्र आसाराम जी कृषि कार्य कर रहे हैं, अर्थात खेती कर रहे हैं और उसका उत्पादन कर रहे हैं, उस पर उपज पैदा कर रहे हैं, उसे आर्थिक लाभ ले रहे हैं। गाटा संख्या 140 बताई गई है, इसकी रकबा संख्या है 1.558। ये खलियान की भूमि है और 1000 हेक्टेयर है। इसमें बताया जा रहा रविंद्र पुत्र कालीचरण काबिज हैं और इसमें खेती कर रहे हैं। गाटा संख्या 201, इसका रकबा है 0.280। खलियान की भूमि है, लाला राम पुत्र मन्नू इनका नाम है और ये इस पर काबिज हैं। दूसरा गाटा संख्या है 201 0.283, ये खलियान की भूमि है, खेमचंद पुत्र मंगली बताए गए हैं ये काबिज हैं। गाटा संख्या 201 में ही 0.283 में खलियान की भूमि है, ब्रजलाल महेंद्र नरेश पुत्रगण आसाराम यहाँ पर खेती कर रहे हैं, उपज ले रहे हैं। से गाटा संख्या है 84, रकबा संख्या है 0405, खलियान की भूमि बताई जा रही है, गोधन पुत्र किशोरी ये यहाँ पर काबिज हैं। गाटा संख्या 84 में ही 0.405 खलियान की जमीन है, कैलाश व पप्पू पुत्रगण भजन। गाटा संख्या 236 0.324 ये रकबा संख्या रकबा है, खलिहान की भूमि है, इस पर कैलाश व कल्याण सिंह पुत्रगण ढड़कोले यादव आपको ये बताया गया, ये जो कंप्लेंट की गई है सास यहाँ के जो शासकीय कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा बताया गया है इस पर जमीन कब्जाई गई है और यहाँ पर खेती हो रही है। इसके एवज में उन्होंने ये भी बताया कि मैंने कई बार लिख करके भी तहसीलदार महोदय को SDM महोदय को भी बताया है, इसके साथ में उन्होंने कागज़ भी नक्शी किए हैं कि ये खाली कराने के लिए कहा गया। किन कारणों से खाली नहीं हो रहा है
ये आज गांव में आकर के हमारी टीम उन लोगों से मिलेगी भी, वो लोग यहाँ पर हैं भी, उनसे भी उनका कारण जानना चाहेंगे, हकीकत क्या है, सत्यता क्या है, क्या वास्तव में आप इन खलिहान जो सरकारी भूमि है उस पर कब्जा किए हुए हैं, या कि आपको किसी कारण से कोप विभाजन बनाया जा रहा है, क्या है सही वो हम आप लोगों से पूछते हैं, या जो मुद्दे हैं जिनके नाम आ रहे हैं वो हमारे बीच खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। आप महेंद्र सिंह हैं और आपका गाटा संख्या 201 में जो हमको लिखित मिला है, जो जानकारी मिली है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कहाँ तक सत्यता है? ये खलिहान की भूमि में है, इसमें आप खेती कर रहे हैं, साफ प्रशासन ने कई बार छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन आप छोड़े नहीं, ऐसा क्या कारण है? नहीं सर, वो ऑपरेशन में पत्ते मिले थे और नेट हम गरीब आदमी हैं, जिन लोगों के नाम दो दो बीघा के पत्ते दिए थे हम वाके लिए, और इसमें छोड़ने की कोई वो नहीं है, छोड़ने के लिए चार्ज तैयार है, और नहीं तो हम तीन भाई हैं खलिहान करने के लिए अपने खलिहान में इस्तेमाल करें। ये खलिहान क्या आपका है? हाँ, खलिहान भी हमारा है। खलिहान आपका है? तो देखिए, इनका कथन है ये सही है कि हम उस पर खेती कर रहे हैं, लेकिन एक समय बताया जा रहा है जिस समय नसबंदी हुई थी, जिस समय वो ऑपरेशन हुआ था उस समय इनको उस खलिहान की भूमि में पट्टा कर दिया गया था, तो खलिहान में खलिहान होना चाहिए, पट्टा हुआ था उसमें आप खेती कर रहे हैं। आपका कथन ये भी है कि अगर शासन चाहता तो मैं छोड़ भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं छोड़ सकता हूँ, तो जो पट्टा हुआ था उसके कोई कागज आपके पास है? हाँ सर, रखे हैं, नकले हैं। 35 वर्ष हो गई जब खलिहान जब पट्टा दिया। अच्छा, अगर आपका क्या नाम है? लाला राम। आप जो है खलिहान की भूमि पर काबिज हैं क्या? खलिहान की भूमि पर खेती कर रहे हैं? किस हैसियत से? क्या शासन की आपको पता है कि शासन का ये स्पष्ट निर्देश है खलिहान हो या खेल का मैदान हो, चरागाह हो? तो हम पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। खेल का मैदान है नहीं है उससे हमें मतलब नहीं, हम ये बताएं हमारा पहले वहाँ खलिहान था। बोलिए बोलिए, मैं बात करूंगा, बात करूंगा, आपसे ही बात करूंगा। हां भैया, आज हम खरीदो खलिहान हो दो जना कर रहा है ये पापड़ का भाव तो पिताजी को। अच्छा, खलिहान था, खलिहान आपका ही था, तो खलिहान में आप खेती कर रहे हो, पट्टे में जमीन मिली है, मैंने जब आपका ऑपरेशन हुआ था पिताजी का, तो देखिए आपका कथन ये है कि हमारा वो पट्टा था। आपका कागज होंगे क्या? कागज है आपके पास? प्रयास करो कि लेके आओ जरा, तो उसका भी लगवा देते हैं। और आप में से यहाँ कौन खड़े हैं जिनको कुछ बताना हो, अपनी बात रखनी हो? देखिए, ये तो तय है, ये सत्यता है, यहाँ तक सत्यता है कि जो खलिहान की भूमि में है उस पर खेती की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि चूंकि हमको ये नसबंदी के दौरान पट्टे दिए गए थे, यानी बहुत लंबा समय हो गया है, उसके बाद भी जो राजस्व विभाग से जो रिपोर्ट आनी चाहिए उसमें रिपोर्ट आती है कि मैंने कई बार प्रयास किया है और आदेश भी हुआ है कि इसको हटवाना है, लेकिन हट नहीं सके हैं, उसका आप लोग कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको लेखपाल के तरीका से रंजसन फंसाया जा रहा है, कुछ और नाम छोड़े गए हैं, ऐसा किसी को कुछ लगता है क्या? मिर्जापुर में मुकदमा चल गया। हाँ हाँ, उसमें मुकदमा चल गया। किसमें? जिस उनने खिलाफियत लगाई तो हम उन्होंने मुकदमा लड़ा उस पर, इसके बाद कमिश्नरी गया, फिर कमिश्नरी चला गया, तारीख का नहीं गया, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। किसका मुकदमा? आप आपका मुकदमा चला है जी? नौ पट्टा है। हाँ हाँ, सब ऑपरेशन की, नौ पट्टे सब ऑपरेशन के, सब ऑपरेशन, और वो सब जो है खलिहानों के ही है। हाँ, खलिहान। इसमें खेल का मैदान ही बताया जा रहा है, ये जो लाल सिंह सीताराम यही है ना, ये बता देना, ये तो खेल के मैदान में है, इसमें भी पट्टा किया गया है? नहीं, पट्टा नहीं किया, जा तो दरोरा साहब बेसमय भाई इसकी बात छोड़ दिया गया, अभी छूटा है। तो इस पर खेती हो रही ना अभी? हाँ, उनकी खरी घरू जमीन कम हैगी उसी हिसाब में, घरू जमीन नहीं है, लेकिन वो इसमें खेती कर रहे हैं ना। हाँ, ये यही मैं जा रहा हूँ, खेल का जो मैदान है वो कैसा था, पड़ा था खाली पड़ा था? देखिए ऐसा ना, इसमें सीधा सा किसी का मकान है, मान लीजिए हम पहुँच रहने लगे, हमारा मकान खंडर हो गया, तो इसका आशय तो नहीं है कि उसमें हम पजेशन कब्जा कर लें? नहीं सर, वो तो नाले में पड़ी है जगह, वही मैं बता रहा हूँ, इसी टाइप का ना, तो अगर उसमें खेती हो रही है तो ये तो टोटल तरीके से अवैध है। मैं केवल आपका यही जानना चाह रहा था, जो रिपोर्ट जा रही है कि वास्तविकता क्या है, खलिहान और जो चरागाह है और जो खेल के मैदान है उसमें खेती की जा रही है? नहीं, अब एक दफे आए थे नेपाल साहब, छोड़वा रही थी, इन्हीं साथ छोड़वा दी थी, छूट गई और फिर शुरू हो गया। नहीं नहीं, छूटी है, पड़ी है, वो थी नलिए जाके था, किनारे किनारे पूरी पट्टी वाले अभी पड़ी है, नाले में पड़ी है, खेलकूद में ये नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अलावा और ऐसे हैं जो जिनके नाम नहीं आए, वो भी अवैध कब्जा किए हैं? की जगह है, होली की जगह है, और
ज्यादा का और सब खलियान की जगह में खेती और लोग कर रहे हैं। क्या नाम है उनके? देखो साइड में है साहब, पूरे लेखपाल के साथ लेखपाल की मकान बने। क्या कारण वही हम जानना चाह रहे, तो लेखपाल को आपसे दुश्मनी थी या लेखपाल ने आपसे कुछ मांगा था आप दिए नहीं इसलिए उसने ये नाम दे दिए? तो देखिए ये निर्धारण है जो दिया गया है कि सरकारी भूमि पर जहाँ पर खेती नहीं होनी चाहिए खेती वहाँ हो रही है, कारण कुछ भी रहा हो, आप लोगों का और भी कहना है कि हमको छोड़ दिया गया है, हमको छोड़ दिया गया है, कुछ लोगों को छोड़ा गया लेकिन हमको फंसा गया, किस कारण से ये कारण बता नहीं पा रहे हैं? चलिए आप बताना चाह रहे हैं, बताइए क्या नाम है आपका? हरियाणा में मकान बने हैं, हरियाणा में मकान भी बने हैं। किस किस के बने हैं आपको? आपको देखिए ये यहाँ एक चीज होती है, यहाँ एक चीज होती है, लेखपाल आएगा, SDM आएगा, DM आएगा, ये क्यों आएगा हमें पता है, हमारे गांव में बने हैं, लोगों ने आपके नाम दिए हैं, तो आपको क्या डर लग रहा? इसीलिए हकीकत चीज नहीं मिल पाती, गाँव में लोग चाहते ना कि पात्रता में हम आते हैं, वो नहीं आते हैं, अब कौन नहीं आते वो नहीं आते हैं, बाहरी व्यक्ति नहीं जानते। मुझे पात्रता में तो हते ही, अरे गरीब लोग हते उनको बात समझिए, पट्टे मिलना चाहिए लेकिन कहाँ मिलना चाहिए, खलिहानों में नहीं, चरागाह में नहीं, ये बताया जाए। अब वो इतने जानकारी किसी को थी नहीं। देखिए लगता है कि दूसरे लोग लेकिन नाम नहीं बताएंगे, लोग कब्जा तो किए हैं लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे, ऐसी स्थिति गांव में चलती है, बस यही कारण रहता है कि जिनके नाम आ जाते हैं जो दबंग टाइप के लोग होते हैं वो दूसरों को दे देते हैं लेकिन खुद में डरते हैं, यही कारण है, यही वजह है कि कुछ लोगों के नाम तो इसमें आए हैं और कुछ लोगों के नाम दबा दिए गए हैं, कारण जो भी हो। ओम प्रकाश उदनिया, हिंदुस्तान न्यूज़ 24।